कहानी अब तक। पिछले एपिसोड तक हमने देखा कैसे वैगनर को कैंडी लेते वक्त सब याद आने के बाद वो पोर्ट टर्मिनल गया था, जहाँ से उसने एक पीएफएनवी ट्रेन को उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ा और वहाँ पे डूडल कॉइन मिलने के बाद उसे बहुत खुशी मिली थी। लेकिन जब उसने दूसरे वैगनर को हाईराइज पैंटोग्राफ के साथ देखा तब वो अपसेट हो गया था, लेकिन ये देख के उसने अपने टारगेट पे एक और बार फोकस किया और अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके उस टारगेट को पूरा करने की ओर निकल पड़ा। अब वैगनर बिना रुके मेहनत करने लगा था, चाहे बारिश हो, तूफान हो, धूप हो, या सर्दी हो। ऐसे में एक दिन अपने लोको शेड की ओर जाते समय जब वैगनर लोको अपग्रेड वर्कशॉप के पास पहुंचा, तब वहां के बिलबोर्ड पे उसने एक नया बैनर लगा देखा जिसपे एक नई ऑफर भी दिखाई थी। उसमें अभी अगर कोई कंपोनेंट को आधे डूडल कॉइन देकर प्री बुक करके रखे तो उसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलने वाला था। तो वैगनर ने सोचा उसके पास 940 डूडल कॉइन तो है जिसमें वो प्री बुकिंग तो कर ही सकता था, तो वो बड़ी ही एक्साइटमेंट में लोको अपग्रेड वर्कशॉप की ओर चला आया। वहाँ पे ऑपरेटर से उसने प्री बुकिंग ऑफर के बारे में पूछा तो उसने वैगनर को उस प्री बुकिंग ऑफर का सेक्शन दिखाया। अब वैगनर ने उसमें से हाई राइज पेंटोग्राफ सिलेक्ट किया और प्री बुक का बटन दबा दिया। अब उसे सिर्फ 50% यानी 650 डूडल कॉइंस देने थे और उसके पास 940 डूडल कॉइंस थे, तो उसने अपने केबिन से निकाल के 650 डूडल कॉइंस स्टोर के टेबल पर रखने शुरू कर दिए। अब 650 डूडल कॉइन मिलने के बाद ऑपरेटर ने उसकी प्री बुक ऑर्डर कंफर्म कर ली। ये पढ़ के वैगनर खुश हो गया और ऑपरेटर ने उस प्री बुक ऑर्डर की एक रिसिप्ट भी वैगनर को दे दी। उसको लेके वैगनर एग्जिट की ओर चला आया, जहाँ पे स्क्रीन पर उसके बारे में इंस्ट्रक्शन लिखे थे जिसमें लिखा था कि बचे हुए डूडल कॉइन्स उसे अगले 10 दिन में देने हैं। अब कुछ और दिन वैसे ही लगातार मेहनत करने के बाद वैगनर के पास बचे हुए डूडल कॉइन्स आ गए थे। अब फाइनली वर्कशॉप में जाने से पहले वो अपनी फेवरेट कैंडी लेने कैंडी शॉप गया। उसने शॉपकीपर से कैंडी मंगाई और जैसे ही उसने कैंडी दी, वैगनर ने उसके डूडल कॉइन शॉपकीपर को दे दिए। और भरी एक्साइटमेंट में अपनी कैंडी एंजॉय करते करते वो लोको अपग्रेड वर्कशॉप की ओर निकल पड़ा। अब उसने प्री बुक ऑर्डर के बचे हुए डूडल कॉइन्स ऑपरेटर के पास दे दिए और साथ में प्री बुकिंग की रिसीट भी दे दी। ऑर्डर कंप्लीट होने पे ऑपरेटर ने उसे गैराज में जाने का टोकन दिया जिसमें पेंटोग्राफ रिप्लेसमेंट लिखा था। उसे देख के वैगनर को बड़ी ही खुशी और एक्साइटमेंट हुई।
वेलकम स्क्रीन पे ऑर्डर कम्प्लीटेड लिखा था और वहाँ पे उसे गैराज में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिए थे। तो वैगनर बड़ी जल्दी जल्दी बाहर आया और मेन लाइन पे जाने से पहले टर्नआउट से रिवर्स घूम के वो गैरेज की ओर चला गया। गैरेज के अंदर आने पे वहाँ पे एक वर्कशॉप इंजीनियर था। उसने वैगनर से गैरेज का टोकन मांगा और टोकन को देख के उस इंजीनियर ने वैगनर को मेंटेनेंस एरिया में जाने को बोला। वैगनर ये सब पहली बार देख रहा था, तभी वहाँ पे उसने एक रोबोटिक आर्म देखा जिसे इंजीनियर ऑपरेट करने वाला था। उसे देख के वैगनर को थोड़ी फिक्र तो हो रही थी, बट वो बड़ी शांति से वहाँ पे रुका रहा। रोबोटिक आर्म ने सबसे पहले उसके एग्जिस्टिंग पेंटोग्राफ को अनस्क्रू किया क्रेन के जरिए। इंजीनियर ने वो पेंटोग्राफ निकाल के वर्कशॉप के फ्लोर पे रख दिया। और बाजू से नया नवेला हाई राइज पेंटोग्राफ उठाया। वो हाई राइज पेंटोग्राफ देख के वैगनर खुशी से भर गया और उसके आंखों से खुशी के आंसू आ गए। अभी थोड़ी सी लंबी मेहनत करके इंजीनियर ने वैगनर का पेंटोग्राफ बदल दिया। अब फाइनली वैगनर का सपना पूरा हो चुका था, उसको हाई राइज पेंटोग्राफ लग चुका था। इंजीनियर ने वैगनर को रिसीट दी जिसमें यूजर मैनुअल भी था। अब उसके मुताबिक वैगनर को अगले 10 घंटे किसी यार्ड लाइन में रेस्ट करनी थी। तो वो वर्कशॉप यार्ड के पार्किंग लाइन में चला आया। उसी जगह पे था जहाँ पे उसने किसी दिन दूसरे वैगनर को हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ रेस्ट करते हुए देखा था। ये तो जाहिर था कि वैगनर को आज बड़ी चैन और सुकून की नींद मिलने वाली थी। तो अब इस नए पेंटोग्राफ के साथ वैगनर हाई राइज लाइन पे जाके वैगनर से कैसे मिलेगा देखेंगे कहानी अगले एपिसोड में। तब तक गुड बाय।